हेलो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं आप अपने पेन ड्राइव का जो डेटा होता है वो दूसरे पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर सके। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पेन ड्राइव का जो डेटा है उसे दूसरे पेन ड्राइव में ट्रांसफर करने के लिए इस वाले पेन ड्राइव का डेटा सबसे पहले कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर से डेटा इस वाले पेन ड्राइव में ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसका डेटा पहले कंप्यूटर में जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर का डेटा फिर से इसमें आएगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर में डालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस वाली पेन ड्राइव का जो डेटा है डायरेक्टली इस वाली पेन ड्राइव में, और इस वाली पेन ड्राइव का डेटा है वो डायरेक्टली इस वाली पेन ड्राइव में आप ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली। आपको कोई भी मतलब टाइम नहीं लगेगा, इसका डेटा डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर होगा और इसका डेटा इसमें ट्रांसफर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम डेनिस, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल टेक्निकल डेनिस में। तो दोस्तों, इस चीज़ को सक्सेस करने के लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, उसके बिना आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो दोनों पेन ड्राइव है उसे आपके पास कंप्यूटर है तो आपको सीपीयू में कनेक्ट करना है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप में अपने दोनों पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपने दोनों पेन ड्राइव को अपने सीपीयू के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो आपको क्या करना है, डीज पीसी वाले ऑप्शन को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 32 GB का और यहाँ पे 64 GB का दोनों पेन ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा जो 64 GB का पेन ड्राइव है वो पूरा का पूरा एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। और जो 32 GB का जो पेन ड्राइव है उसके अंदर मेरे कुछ प्राइवेट फोटो पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने 32 GB का जो पेन ड्राइव है उसके अंदर जो मेरे सारे फोटो है उसमें से मैं कुछ फोटो को यहाँ पे सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले अपने पेन ड्राइव में कुछ फोटो को कॉपी कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपने पेन ड्राइव में कुछ फोटो को कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ से वीडियो भी कॉपी करेंगे तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपने फोटो को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो एप ड्राइव है, जो दूसरा पेन ड्राइव है उसे आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपका जो डेटा है उसे पेस्ट कर देना है। तो चलिए, यहाँ पे अपने डेटा है उसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पहली पेन ड्राइव का जो डेटा है उसे मैंने दूसरी पेन ड्राइव में जो ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद जो दूसरी पेन ड्राइव का डेटा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर को क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हैं, वरना नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो दूसरी नंबर की पेन ड्राइव है उसके अंदर से मैं अपने दो फोटो को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं दो फोटो को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करता है, आपको बैक चले जाना है। उसके बाद आपकी नंबर वन पे जो पेन ड्राइव है उसे ओपन कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ नंबर वन वाली पेन ड्राइव में। यहाँ पे न्यू फोल्डर में मैं जो अपने डेटा है उसे यहाँ पर ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैं अपने जो डेटा है दोनों फोटो को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे नंबर वन की जो पेन ड्राइव है उसके डेटा नंबर टू में मैंने ट्रांसफर किए, और नंबर टू की जो पेन ड्राइव है उसके डेटा मैंने नंबर वन पे ट्रांसफर किए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे जो पेन ड्राइव के जो डेटा है वो अलग अलग पेन ड्राइव में ट्रांसफर सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दो फोटो यहाँ पे मैंने नंबर वन वाली पेन ड्राइव में ट्रांसफर किए थे, तो वो फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली यहाँ पे वर्क कर रहा है, मतलब यहाँ पे आप पेस्ट इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो पेन ड्राइव है उसके अंदर डेटा तो सक्सेसफुली आ चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं दोनों पेन ड्राइव को स्मॉल करके आपको दिखा देता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फोटो मैंने नंबर टू वाली पेन ड्राइव से नंबर वन में ट्रांसफर किया था। तो चलिए, यहाँ पे मैं इसे छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे नंबर की पेन ड्राइव है उसे ओपन करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो नंबर वन वाला 32 GB का पेन ड्राइव है उसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों फोटो को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपने कंप्यूटर का डेटा
जो है उसे पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हैं, पेन ड्राइव का डेटा पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से वीडियो को, फोटो को, डॉक्यूमेंट को या आपके सॉन्ग को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।